नमस्कार वीरांगना साथियों, आप सभी का स्वागत है विनर्स परिवार में। आज हम यहां पर जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 जो आप लोगों का अक्टूबर माह में एग्जाम होने वाला है उसके परिप्रेक्ष्य में हम यहां पे जो शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा वाला जो पाठ्यक्रम है जो मेरे माध्यम से आपको अध्यापन कार्य किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा जिसमें आपका बाल विकास और शिक्षा संस्थान और साथ में समावेशी शिक्षा आदि की अवधारणाओं को समावेशित किया गया है उसके बारे में यहाँ पर आज चर्चा करेंगे कि कहाँ से कितने नंबर का पार्ट बनने वाला है और हम इन दिए गए 3 महीनों के अंतराल में अपनी तैयारी को कैसे अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करें और कैसे एक सुव्यवस्थित और बेहतर रणनीति के साथ में तैयारी करें ताकि अपने को अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए। अब समय हमारे पास में है कम, इस बीच में नियोजित प्लानिंग के साथ में तैयारी बहुत जरूरी है और तैयारी के साथ साथ में उसका प्रॉपर रिविजन हो पाए, साथ में उसके लिए कुछ हम MCQ भी सोल्व कर पाए, ये काफी जरूरी होता है। प्रैक्टिस करना, साथ साथ में एक बार पढ़ना, उसका रिवीजन करना और कुछ PYQ जो रहते हैं उसके आधार पर अपने आप को आकलित करना। तो आइए जानेंगे हम लोग यहाँ पर शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के बारे में। तो यहाँ पर इस भर्ती के बारे में हम लोग देखेंगे, इसमें टोटल आपके 4 खंड होंगे। 4 खंडों में मूलतः पहला होगा न्यूट्रिशन और हेल्थ वाला, जिसमें आपको 55 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक एक क्वेश्चंस एक नंबर का होता है। इसके बाद में दूसरा होता है जिसमें जनरल नॉलेज वाला और साथ में रीजनिंग वाला पाठ्यक्रम होता है, जिसमें मैथमेटिक्स और साथ साथ में आप लोगों का महिलाओं के लिए बालकों के लिए जो कानून बनाए गए उस कानून की बात करें, योजनाओं की बात करें, वो सब इसका पार्ट होता है। गणित के कुछ है ना बेसिक आयाम हो गए, साथ साथ में रीजनिंग हो गया, ये 55 क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। और 2 प्रमुख पार्ट हो रहे हैं यहाँ पे, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन के बारे में, जो प्रारंभिक जो बच्चों की देखभाल होती है और उनकी शिक्षा होती है उससे रिलेटेड आपको 45 क्वेश्चंस आएंगे, साथ में मैनेजमेंट से जुड़े हुए भी आपको 45 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 200 रहेंगे, जिसके लिए समय आपके लिए 180 मिनट्स और साथ में ये किस आधार पर होगा, CBT बेस्ड होगा अर्थात ऑनलाइन होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। साथ में हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज जो मैं आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ, यहाँ पर जो बाल विकास वाला जो पाठ्यक्रम होता है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल वाला भाग होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे आपके, 45 रहेंगे, जो 4 यूनिट में बटा हुआ भाग होगा। पहला भाग है आपका जिसका नाम बाल विकास है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि बाल विकास। अब बाल विकास कहां से प्रारंभ होगा कि जब बच्चा कहां पर माता के गर्भ के अंदर होता है तब से लेके, तो हम लोग कहेंगे जब तक उसका प्रॉपर विकास नहीं हो जाता तहां तक की हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो एक होता है गर्भकाल, और गर्भकाल के बाद में दूसरा भाग आता आप लोगों का शैशवावस्था, ठीक है ना, क्या आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद में तीसरा भाग आता आपका बाल्यावस्था, चाइल्डहुड स्टेज बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद में चौथा भाग आता है जिसको किशोर अवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं, किशोर अवस्था। तो ये 4 प्रमुख कालखंडों में आपका बाल विकास बटा होता है। अब इस दौरान बच्चे का क्या क्या विकास होता है, और यहाँ पे गर्भकाल के दौरान बच्चे में अनुवांशिकता, माता पिता के जो गुणसूत्र होते और जो जीन होते वो क्या क्या निर्धारण करने का कार्य करते, साथ साथ में गर्भकाल के दौरान माताजी की जो न्यूट्रिशन होती है, डाइट होती है, वो किस प्रकार से मदद करने का कार्य करती है, साथ साथ में बच्चे का जो विकास होता है अंडाणु शुक्राणु के मिलने से किस प्रकार से एक लगभग 3.5 kg का जो बच्चा होता है वो विकसित होता है, किन 3 अलग अलग चरणों में भ्रूण का विकास होता है उसके बारे में जानेंगे, साथ साथ में एक्टोडर्म मेजोडर्म एंडोडर्म क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो माताजी जो रहती है, माताजी का जो पोषण होता है वो गर्भकाल के दौरान कैसे अफेक्टेड करता है, उस चीज को हम लोग यहाँ पे
गर्भ काल के दौरान जानने का प्रयास करेंगे। साथ में फिर जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर आ जाता है तो पहली बार उसका सामना होता है आसपास के परिवेश के साथ में, तो आसपास का परिवेश, परिवार, माता पिता और साथ में भौतिक वातावरण, साथ साथ में जो ऊपरी आहार या माता का जो दूध होता है, ये बच्चे के विकास को कैसे अफेक्टेड करता है, बच्चे का विकास की दिशा आखिर क्या होती है, सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, साथ साथ में विकास के लिए कौन कौन से सिद्धांत होते हैं उनके बारे में चर्चा करना। तो हम लोग यहाँ पर शैशवावस्था में जो विकास होगा वो क्या होगा, आखिर किस अवस्था को खतरनाक काल नाम दिया गया है, आखिर किस अवस्था में बच्चे की मृत्यु सर्वाधिक देखने को मिलती है, मृत्यु दर सर्वाधिक देखने को मिलती है, क्या कारण होता है, इन चीजों को हम लोग यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा काल जिस समय बच्चा बाल्यकाल में प्रवेश करता है और पहली बार आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी से फिर क्या प्रारंभिक विद्यालय में प्रवेश करता है और अपने परिवार को छोड़कर के एक बड़े समाज के कॉन्टेक्ट में आता है जिसको हम लोग विद्यालय कहते हैं और विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। यहाँ पर बच्चे का विकास कैसा होना चाहिए, आज वर्तमान की जो परंपरागत शिक्षा रणनीतियां हैं क्या ये बेहतर होगी, या फिर हम लोग कहेंगे कुछ ऐसी रणनीतियां जो बच्चे के विकास के लिए काफी जरूरी है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्र शिक्षा होना जरूरी है। तो बच्चा बाल्यावस्था में किस प्रकार से चुस्त तंदुरुस्त रहता है, इसके पीछे का कारण क्या है, समलैंगिक भावनाओं का विकास बच्चे के अंदर कब देखने को मिलता है और बच्चा कब समूह के अंदर सक्रिय रूप से इन्वॉल्व हो जाता है, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। बच्चे के अंदर कब नैतिकता का पूर्ण रूप से अच्छे से विकास होता है, बच्चे को किस आधार पर नैतिक पाठ का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए और बच्चे के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करने के लिए माता पिता की पेरेंटिंग कैसी होना चाहिए, इन चीजों के बारे में जानेंगे। किशोरावस्था का जब दौर 12 से 18 साल के मध्य में आता है तो इस दौरान माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे के साथ में मित्रवत व्यवहार किया जाए, शिक्षक की ड्यूटी होती है कि बच्चे के साथ में सिंपैथीपूर्ण व्यवहार किया जाए, ऐसा नहीं कि आप अधिनायक बन जाओ, बच्चे के ऊपर अपने नियमों को, अपने कायदे, अपने कानून को आदि को थोपने का कार्य करो, अपनी अभिलाषाओं को बच्चों के ऊपर थोपने का कार्य करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारा जो भाग होगा इन चार अवस्थाओं के अंतर्गत बटा होगा। तो यहाँ पे बच्चों का संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, ये जो विकास के विभिन्न संप्रत्यय होते हैं इनमें बच्चे का विकास आखिर कैसे होता है और इस विकास को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करने का कार्य करते हैं, जैसे पर्यावरण हो गया, अनुवांशिकता हो गया, ये कैसे अफेक्टेड करता है, ठीक है। साथ साथ में प्रीनेटल विकास का आशय, अर्थात जब बच्चे का जन्म नहीं होता है उसके पूर्व विकास का स्वरूप कैसा रहता है, प्रथम तीन वर्ष में शैशव अवस्था के दौरान बच्चे का विकास कैसा रहता है और प्रथम बाल्यावस्था के दौरान बच्चे का विकास कैसा होता है, यहां से जुड़े हुए टोटल आपको 12 एमसीक्यू अर्थात 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके आगे की ओर हम चलेंगे तो सेकंड पार्ट आता आपका साला पूर्व क्या शिक्षा परिचय। तो यहां पर एक शब्द आता शिक्षा, शिक्षा में दो प्रकार की शिक्षा, जिसमें एक होती है आपकी औपचारिक, कौन सी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, और एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है ना, एक औपचारिक और एक क्या अनौपचारिक, और एक होती है इन दोनों का मिला जुला स्वरूप, ठीक है ना, गैर औपचारिक जिसको हम कह सकते हैं। तो साला पूर्व शिक्षा अर्थात जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश नहीं करता है तो एक तो घर में रहता है और घर में माता पिता बच्चे के जीवन के प्रथम शिक्षक होते हैं, ठीक है ना, ये इनकी ड्यूटी क्या होती कि कैसे बच्चों के जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और लोकोमोटर ऑर्गन्स जैसे हाथ पैर होते हैं, इनको कैसे प्रशिक्षित किया जाए और बच्चे के स्कीमा को कैसे बेहतर बनाने का कार्य किया जाए, इसमें माता पिता का योगदान कैसा होना चाहिए, साथ में जब बच्चा पहली बार आंगनवाड़ी, बालवाटिका, किंडरगार्टन स्कूल या मोंटेसरी स्कूल में प्रवेश करता है तो इस दौरान यहाँ पर शिक्षा की जो क्या रणनीतियां होना चाहिए, वहां पर जो प्रशिक्षक होते हैं, शिक्षक होते हैं, किस आधार पर बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करें, किस प्रकार से उसकी जो क्रिएटिविटी होती है उसको बढ़ाने का कार्य करें, इन सभी पहलुओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में हम लोग देखेंगे यहाँ पे
विकास के विभिन्न संप्रत्यय होते हैं, और उसमें जैसे जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे अलग अलग स्टेप में किस प्रकार से ज्ञान का पूर्ण रूप से क्या होता है निर्माण होता है, किस प्रकार से बच्चा अपने स्कीमा को क्या करता है निर्मित करने का कार्य करता है, कैसे अपनी समझ वातावरण के प्रति सरल और सहज बनाने का कार्य करता है, कैसे बच्चा अपने आप को अनुकूलित करने का कार्य करता है, और कैसे बच्चा अपने विचारों में परिवर्तन करने का कार्य करता है, और कैसे भाषा जो रहती है विचारों को अफेक्टेड करती है या फिर विचार भाषा को अफेक्टेड करते हैं, इसके बारे में वाइगोत्स्की क्या कहता है, जीन पियाजे क्या कहता है, ठीक है ना, और साथ में चोमस्की क्या कहता है, इन सभी पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में सीखने की प्रक्रिया के बारे में, सीखने की प्रक्रिया का आशय क्या होगा यहाँ पे अधिगम से होगा, आखिर अधिगम क्या होता है, अधिगम के बारे में व्यवहारवादी जो लोग हैं जैसे वाटसन हो गया, ठीक है ना, वुडवर्थ हो गया, मैकडुगल हो गया, स्किनर हो गया, पावलो हो गया, इनके क्या मानना है, इन्होंने क्या अप्रोच बताया है। साथ साथ में गेस्टाल्टवादी जो लोग हैं, गेस्टाल्टवादी में जैसे मैक्स वर्तिमर हो गया, है ना, साथ में कोहलर हो गया, कोर्ट लेविन हो गया, इनके क्या आयाम है, इन्होंने कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए उनके बारे में चर्चा करेंगे। मानसिक क्षमता है शारीरिक क्षमता, गत्यात्मक विकास में जैसे माइक्रो और मैक्रो ये दो प्रकार के हमारे क्या आते लोकोमोटर डेवलपमेंट होते, आखिर ये होते क्या है, इनका स्वरूप कैसा होता है, और साथ में संज्ञानात्मक विकास जिसमें जीन पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज हो गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गया, है ना, मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। भाषा विकास के बारे में चोमस्की ने क्या कहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में जो वाइगोत्स्की उन्होंने क्या कहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक अधिगम के बारे में बांडुरा ने क्या कहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में बच्चे का जो भावनात्मक विकास होता है, इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है, उसमें मैकडुगल ने जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में क्या कहा है उसके बारे में चर्चा। क्रिएटिविटी क्या पार्ट है, क्रिएटिविटी के बारे में चर्चा करेंगे, आखिर अपसारी चिंतन क्या होता है, क्रिएटिविटी में कौन कौन से ऐसे गुण होते हैं जैसे लचीलापन, मौलिकता, सौंदर्य बोध आदि गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सारा पार्ट आपके 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और हम लोग इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे यहाँ पर। साथ में प्यारे बच्चों तीसरा भाग आता है जिसको हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बालक के तौर पर हम लोग जानते हैं, और विशेष आवश्यकता वाले बालक में एक तो पहली चीज होती है कि आखिर विशेष आवश्यकता वाले बालक होते कौन है, इनकी आखिर पहचान क्या होती है। अगर हमने इनको पहचान भी लिया तो इनको फिर पढ़ाने के लिए हम करें क्या, और इनके लिए भारत में कौन कौन सी जो शैक्षणिक संस्था है और इनके ऊपर अनुसंधान करने वाली संस्था है जो वर्तमान में कार्यशील है उनके बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनके लिए क्या कार्य किया जा रहा है, यहां से समावेशी शिक्षा और साथ साथ में हम लोग कहेंगे यहाँ पे एकीकृत शिक्षा ये क्या है, इन आयामों के बारे में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, अधिगम अक्षम बालक, ओके, साथ में हम यहीं पे सृजनात्मक बालक भी आते हैं आप लोगों के, साथ में ऐसे बच्चे जो अपराधी किस्म के होते वह भी आते, शरारती किस्म के बालक भी आते, वंचित वर्ग के बालक भी आते, तो आदि बालकों के बारे में हम यहां पर विस्तार से चर्चा करने वाले। इसके बाद में चौथा भाग आता है बाल देखभाल और संरक्षण, तो यहाँ पे बच्चों की देखभाल के लिए है ना माता पिता का क्या योगदान है, घरेलू स्तर पर हमारा क्या योगदान है, फिर घर के बाहर हम किसी एक देश के क्या है नागरिक है, तो देश की सरकार का इसके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है, भारत के संविधान में इनके बारे में कहां पर उल्लेख किया गया है, और साथ में भारत सरकार इनके संरक्षण के लिए क्या क्या अधिनियम लेकर के आई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ में सरकार के द्वारा इनको बेहतर शिक्षा, बेहतर आवास, बेहतर पोषण देने के लिए किस प्रकार का हम लोग कहेंगे कि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, उनके लिए क्या मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो संस्थागत गैर संस्थागत देखभाल संरक्षण हो गया आप लोगों का, अनाथ और बेसहारा बच्चे हो गए, निःशक्त बच्चे हो गए, और एड्स जो हो गया, एड्स नामक एक खतरनाक बीमारी है इसके बारे में भी चर्चा करने को मिलेगा। साथ साथ में बच्चों के लिए जो योजनाएं उन योजनाओं के बारे में, कानून के बारे में,
और साथ साथ में एकीकृत बाल सुधार योजना के बारे में, जिसका नाम ICDS है, और जिसी का परिणाम स्वरूप है कि आज हम लोग देख पा रहे कि आंगनवाड़ी जो केंद्र है उनका संचालन हो रहा है, उसके लिए हम लोग कहेंगे यहाँ पे सुपरवाइजर की भर्ती की जा रही है। ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं का दूरगामी क्या है, परिणाम है। तो ओवरऑल टोटल ये आपके चार सेगमेंट होने वाले हैं। इन चार सेगमेंट के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे और उनके हम लोग प्रत्येक चैप्टर के बाद में एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा अपने को। तो इसका हम एक तो प्रॉपर हम क्या करेंगे, अध्ययन का कार्य, अध्ययन के कार्य के बाद में इनका प्रॉपर प्रैक्टिस, ये दोनों चीजों आपको यहां पर करवाई जाएगी। इनके व्यवस्थित नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे और टोटल क्वेश्चंस कितने 45 यहां पर देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आप अगर हमारे साथ में अगर इनको व्यवस्थित फॉर्मेट में आप पढ़ना चाहते हो, जैसे ये जो CDP वाला पार्ट हो गया, बाकी सभी सब्जेक्ट को आप अच्छे से व्यवस्थित फॉर्मेट में प्लानिंग के साथ में पढ़ना चाहते हो और अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, और यदि आप इंदौर आने में सक्षम नहीं हो तो आप लोग घर बैठे अभी हमारा विनर्स जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके मात्र 999 का कोर्स है जो वीरांगना बेच हमारा संचालित है, इसको आप परचेस करें, और साथ में सभी विषय विशेषज्ञों की कक्षाओं का आप लोग ईमानदारी से लाभ लें। प्यारे बच्चों, ये कुछ बुक्स है अभी जो मार्केट में आ चुकी है, जिसमें एक है हमारी गणित की जो पर्यवेक्षक के लिए स्पेशल डिजाइन की गई है, और एक है शिशु की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा जो स्पेशल पर्यवेक्षक के लिए डिजाइन की गई है, और साथ में आपके प्रैक्टिस के लिए 15 टेस्ट पेपर का एक क्या सेट है जो 249 में अवेलेबल है। तो दिए गए प्राइस में आज ही आप लोग क्या कर सकते हो, है ना, हमारा विनर्स पब्लिकेशन जो ऐप है उसको डाउनलोड करोगे। दो एप्लीकेशन है, एक एक क्लास के लिए अलग है, एक पब्लिकेशन जिसमें बुक्स का प्रकाशन किया जाता है उसके लिए अलग है। तो आप लोग उस पब्लिकेशन वाले ऐप को डाउनलोड करके अपने पते पर इन बुक्स को आप लोग आज ही शीघ्र बुलवा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे एप्लीकेशन की दी गई निम्न सुविधाएं इनका आप लोग लाभ ले सकते हो, और टेलीग्राम से आप जुड़ करके, है ना, जो आगामी समय की जितनी भी आवश्यक जानकारी है उनको आप लोग प्राप्त कर पाओगे। ये हमारे YouTube कक्षा है जिसमें हमारा रेगुलर क्या होता है, यहाँ पर द विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर वाला जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर रेगुलर क्या होता है, क्लासेस संचालित की जाती पर्यवेक्षक के लिए, और जिसमें MCQ सोल्व करवाए जाते, तो आप लोग यहाँ जुड़ करके, है ना, क्लासेस का लाभ ले पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। बाकी इन सभी क्लासेस के साथ में आप जुड़े, और प्यारे बच्चों आज अब इसके बारे में इतना ही हम बताना चाहेंगे। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आशा आप सभी हमारे साथ में जुड़ेंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए ईमानदारी से मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।